अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक। अभी हम जा रहे हैं, अभी तो राइडिंग की है थोड़ी बहुत, और अभी इस पे बैठते हैं। हाँ, मैं बैठ जाऊँ? अच्छा, मैं किधर से? इधर पीछे से। एक मिनट, इमरान भाई आप किधर बैठेंगे फिर? अच्छा, मैं भी बैठ जाऊँ। अच्छा, अशाना राजा का ना वंजाई का, आ जाओ बैठ जाओ तुम भी बेशक, इधर आके बैठ जाओ। ये अभी इमरान भाई दुआ करें, कबर की दुआ पढ़ लो ना भाई, दुआ पढ़ लो। सुभान अल्लाह जी सखर अल्लाह आजा मिन्ना इला रब्बिन अलमन करीबून जी। देखे अभी हम निकले हैं तांगा राइड पे, और ये देखो उधर जहाज भी खड़ा है, और अभी हम जा रहे हैं एक राउंड पे। साथ में अशान भाई भी बैठा है और भाई है, तो हमें टांगा राइड अभी कराएगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। स्लो स्लो, ये देखिए अभी हम पेशावर की सड़कों पे निकले हैं, और ये दलाजार रोड है, और अभी आप चेक करें टांगा राइड। ये हर घोड़ा टांगा नहीं चलाता, ये जिसको आपने आदत डाली हो ना वही टांगा चला लेता है। ये तो डर भी लग रहा है, साथ साथ में रश भी है, तो देखते हैं जी। रोड में कम्बा, ये हमने इमरान भाई को रिक्वेस्ट की कि जी आप अपने टांगे में हमें ज़रा राइड करवाएं, तो बस निकलते हैं, इवनिंग टाइम है और मज़ा भी बहुत आ रहा है। साथ में हम आज स्पेशली शावर आए हैं टांगे की ना, तो मैंने कहा चलो अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर लूँ। सर जी कितने टाइम से टांगा चला रहे हो? अच्छा उस्ताद जी कह रहा है कि जब से होश संभाला है तो घोड़ों के साथ मेरी वो ज़िंदगी है, और ये काफ़ी एक्सपर्ट है क्योंकि बचपन से यही काम करते आ रहे हैं ना, तो लाजमी बात है ये प्रैक्टिस हो जाती है इंसान की। जिन्हें इशारा किया गाड़ी को कि आप रुक जाए, ये जी पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न मार रहा है आराम से आराम से। उस्ताद जी ये नाल रबड़ के हैं कि नहीं? रबड़ के हैं ना, फिर ठीक है। असल में जो लोहे के नाल होते हैं ना, जो इनके पैरों में वो नीचे लगे होते हैं, ये आप देख सकते हैं, तो वो फिसल जाते हैं ना रोड पे, तो इसके लिए टांगे के लिए लाजमी है कि आपने वो रबड़ के नाल लगाने। चेक करने हमारे राइड है, तो उसके साथ ये होता है रबड़ के नाल के साथ ये घोड़े स्लिप नहीं होते ना, और जब आप टांगे पर बैठ जाए तो ये नहीं कि आप बैठ के बस उसको घुमाएं फिराए ना, स्पीड दें, पहले आपने स्लो स्लो उसको चलाना है। जिस तरह इंसान है ना, अगर उसका भी एक्सरसाइज ना हो एकदम से आप उसको दौड़ाए तो उसकी बॉडी में फिर पेन होता है ना, तो पहले आपने कुछ दिन आहिस्ता आहिस्ता चलाना है। इसके साथ ये होता है ना कि इसकी जो मसल्स हैं वो खुल जाते हैं, फिर बाद में बेशक आप दौड़ाएँ स्लो चलाएँ फिर कोई इशू नहीं होता, लेकिन आजकल तो समर है और ज़्यादातर घोड़े रेस्ट पे हैं समर में, जिस तरह की गर्मी है कोई भी नहीं बाहर लेके आता ना। तो बहरहाल ये तो इमरान भाई की मोहब्बत है कि उसने हमें पहले वो सैडल पर राइडिंग करवाई और फिर अभी टांगे में बैठे हैं। और ये भी मैंने ख़ास कर आप लोगों के लिए आया हूँ इधर के मैं अपने व्यूवर्स को दिखा सकूँ कि टांगा राइड किस तरह होता है क्या नहीं होता। अल्लाह खैर करे किसी गाड़ी भी आ रही है, मेरे ख्याल में उसमें ब्रेक ही नहीं है, वो ये नहीं सोचता कि घोड़ा है तो ज़रा आराम से आ जाए। ये लोग देखिए आराम आराम से आप चलाएँगे ना तो घोड़े पर आपके पसीना नहीं आएगा,
और अगर स्पीड लगाएंगे तो फिर लाजमी बात है कि पसीने होंगे और ये वो ना, और घोड़ा भी बेचारा तंग होता है। तो ये इसमें थोड़ा सा स्पीड भी है, ये पेशावर मॉडल डिग्री कॉलेज है इमरान भाई का, ये भी इनका कॉलेज है, चेक कर लें। बहुत अच्छी सेटअप है इनकी कॉलेजेस की, तो अल्लाह नसीब करे भाई की, और उसने बहुत प्यार दिया है हमें, और मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए कोई वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो आप ये और हमारी जो वो समझे कि प्यार ही समझो उनका, गर्मी में फिर भी हमारी बात के लिए एग्री हो गए। तो दोस्तों कैसा लगा, अगर अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो भी काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।